दरअसल मैं भारत की यात्रा किया, भूटान की किया और मैं पहुंचा नेपाल। तभी मुझे सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे थे कि आपकी मम्मी डंडा लेकर पहुंच रही है नेपाल में, तो दौड़ के मुझे तुरंत आना पड़ा। अब देखो, आया तो मुझे बांध दिया, बोले अब तुम्हें भारत की यात्रा नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में रहा जहाँ इंसान अगर बोलूँ तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोच भी नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में। लेकिन वो सब चीजें मैं इसलिए नहीं बताता था कि अगर मैं ये चीज बताऊं, हालांकि मेरी माता जी के पास वाला मोबाइल नहीं है, लेकिन जो मेरे परिवार वाले हैं सबके पास मोबाइल है। यही गलती हुई मेरे से जब मैं नेपाल में गया था, तो एक बार मैंने वो वीडियो डाल दिया था कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो वीडियो मेरी माता जी को किसी ने दिखा दिया। अब माँ का दिल है, माँ तो भाई सात समुंदर पार क्या भाई, यम लोक तक पहुंच जाएगी कि भाई मेरे बेटे को क्यों ले आया कर। वहां का मैंने सिम कार्ड लिया था, केवल एक ही साधन था, व्हाट्सएप से बातचीत हो रही थी, लेकिन कई जगह नेटवर्क नहीं रहता तो भी समस्या रहती है। तो जब बात उनसे नहीं हो पा रही थी और ज्यादा वे टेंशन में आ गए। अरे मेहुल, भारत यात्री, आप तो भारत की यात्रा करने निकले थे, बहुत दिन हो गए आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे क्या करूं, एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा। दरअसल मैं भारत की यात्रा किया, भूटान की किया और मैं पहुंचा नेपाल। नेपाल में काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन किए। तभी मुझे सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे थे कि आपकी मम्मी डंडा लेकर पहुंच रही है नेपाल में। अब सीधी सी बात है यार कि माँ है और माँ के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, तो दौड़ के मुझे तुरंत आना पड़ा। अब देखो, आया तो मुझे बांध दिया, बोले अब तुम्हें भारत की यात्रा नहीं करनी है। मैं तैयारी कर रहा हूँ भारत की यात्रा 2.0 की, और आगे का जो भारत की यात्रा मेरी होने वाली है बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि ये भी अपना नैतिक कर्तव्य बनता है। 27 महीने लगातार मैं बाहर था, माँ को, माँ ने मुझे नहीं देखा था, मैंने माँ को नहीं देखा था, क्योंकि माता जी के पास सादा वाला मोबाइल है इसलिए। और बहुत सारी चीजें जो कि मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, मैंने तकलीफ सही है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में रहा जहाँ इंसान अगर बोलूँ तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोच भी नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में। लोग गाड़ी से नहीं जा सकते, ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ। लेकिन वो सब चीजें मैं इसलिए नहीं बताता था कि अगर मैं ये चीज बताऊँ, हालांकि मेरी माता जी के पास वाला मोबाइल नहीं है, लेकिन जो मेरे परिवार वाले हैं सबके पास मोबाइल है, तो वो लोग बता देंगे कि भाई आपका लड़का ऐसा ऐसा है। यही गलती हुई मेरे से जब मैं नेपाल में गया था, तो एक बार मैंने वो वीडियो डाल दिया था कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो वीडियो मेरी माता जी को किसी ने दिखा दिया। अब माँ का दिल है, माँ तो भाई सात समुंदर पार क्या भाई, यम लोक तक पहुंच जाएगी कि भाई मेरे बेटे को क्यों ले आया करके। तो माता जी निकल पड़ी। अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई नेपाल में आपका भारत का सिम कार्ड चलता नहीं है। वहां का मैंने सिम कार्ड लिया था, केवल एक ही साधन था, व्हाट्सएप से बातचीत हो रही थी, लेकिन कई जगह नेटवर्क नहीं रहता तो भी समस्या रहती है। तो जब बात उनसे नहीं हो पा रही थी और ज्यादा वे टेंशन में आ गए। तो वो आए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे। मेरे को तो भाई पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं सच्चे दिल से राष्ट्र की सेवा में समर्पित होकर जो देश के लिए जितना अच्छा हो सकता है, राष्ट्र के लिए जितना अच्छा हो सकता है, समाज के लिए जितना अच्छा हो सकता है, लोगों के लिए जितना अच्छा हो सकता है, उतना मैं करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि आप देखते ही होंगे कि मैं शिक्षा को तो कभी भी मैं ऐसी काम नहीं करूंगा जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो, लोगों के लिए अच्छी चीज है, जो हमारे युवाओं को जिस चीज में प्रेरणा मिले वैसा ही काम करूंगा। तो लेकिन चूंकि माता के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और वो नेपाल ऐसा देश है जहाँ पर आपकी मुद्रा नहीं चलती, वहाँ पे नेपाली मुद्रा चलती है, और उसके साथ साथ में वहाँ पे ट्रेनें भी नहीं है, आपको बस से ही करना पड़ता है, वहाँ की भाषा है। हालांकि वहाँ पर अपने कह सकते हैं आप, जैसे वहाँ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भारत है या नेपाल है, आपको ऐसा लगेगा भारत में, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की संख्या, भारतीय संस्कृति वहाँ पर बहुत, यहाँ से भी अच्छी अवस्था में है। लेकिन फिर भी मुझे ये विश्वास था, क्योंकि घर वाले परेशान हो चुके थे, उनका भी फोन आया था, मैसेज आया था कि आपकी मम्मी चली जा चुकी है, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, फोन में बात नहीं हो पा रही है, और तो वो सब घबरा रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरी आस्था थी, क्योंकि मैं जब उसका काम कर रहा हूँ तो वो मेरे अपने लोगों को कभी भी परेशान नहीं कर सकता ना मुझे। हाँ, मेरे को तकलीफ दे सकता है, मेरी परीक्षा ले सकता है, लेकिन मुझको वो कभी भी तकलीफ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस बात का विश्वास था, हुआ भी यही। और फिर मुझे चूंकि माँ के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, बोले आपकी माता जी की तबीयत भी खराब है, और इस प्रकार से उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। अभी मैं दो चीज की दुविधा में हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे दोनों माँ की सेवा एक साथ करनी है। तो अब
बहुत प्लानिंग करने के बाद मैं आपके सामने ये चीजें रखने वाला हूँ। जो मेरी प्लानिंग होगी 2.0 भारत की यात्रा का, वो उससे शानदार होगा। जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको धरातल पर दिखाई नहीं दी कि भाई तू कैसा है, क्या क्या किया है, इस बार की जो मेरी भारत की यात्रा होगी वो आपको धरातल पर नजर आएगी, बहुत ही बेस स्तर पर नजर आएगी। पहले तक तो भगवान किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में मेरे साथ था, लेकिन इस बार जो मेरी भारत की यात्रा होगी उसमें मेरा भगवान मेरे साथ ही होगा। और वो एक गाना है दोस्तों, शेर पर सवार होके आजा शेरा वाली है, तो जो शेरा वाली है वो बिल्कुल शेर के साथ आएगी, आप भी देखेंगे और आपसे मिलने में पक्का होऊंगा। जिस प्रकार से अगर मैं आपसे पहले भारत की यात्रा 1.0 में अगर मुलाकात हुई होगी तो हो सकता है सेकंड काल में भी आऊं पहले, लेकिन मेरा यही लक्ष्य होगा कि जो मैंने भारत की यात्रा जो मेरी छूट गई है वो पहले कवर करूँ, जितने मेरे धाम बचे हैं, जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं, जितने राज्य बचे हैं उसको पहले कवर करूँ। और जो जिम्मेदारी मेरी परिवार के प्रति है और अपने माँ के प्रति है, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो दोनों सब मैं एक साथ निभाऊंगा। अब इतना मैं सामर्थ्यशाली हो चुका हूँ मेंटली तौर पर, वैसे तो संसाधन आपको पता है मेरे पास अल्प है, लेकिन अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र का काम कर रहे हो, तो आप देश के हो चुके हो, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने भारत की यात्रा की है, मैंने अनुभव किया, जब आप राष्ट्र के होते हो तो राष्ट्र आपका होता है, तो पूरा देश मेरा है। पहले मेरा परिवार कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब जो मेरा परिवार है पूरे देश तक फैल चुका है, मतलब पूरा देश मेरा परिवार है। तो मेरा देश, मेरा परिवार कभी मुझे दुखी होने नहीं देगा, मुझे परेशान होने नहीं देगा। हालांकि मेरी चुनौतियां मेरी रहेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की यात्रा 2.0 में जिस प्रकार से मेरे परिवार, मेरा भारत, मेरा सहयोग किया, वैसे ही आगे भी करता रहेगा। हम साथ में भारत की यात्रा करेंगे और इस प्रकार से जो मेरी इच्छा है संपूर्ण भारत में साइकिल क्रांति लाने की, वो हम ला कर रहेंगे। और जो आप बेस देखना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं आपको बेस में धरातल में जो मैंने कार्य किए हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। और हम मिलकर, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी टीम का हिस्सा बने। एक बेस्ट टीम एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकती है, जैसा कि कर्नल रणजीत जामवाल जी जो कि निमास के डायरेक्टर है, कर्नल भी है, उन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और जो निवास राष्ट्रीय स्तर का जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर पहाड़ों की चढ़ाई है, जो बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई है, जितने भी एडवेंचर वाले कोर्स होते हैं वहाँ पे करवाए जाते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, वहाँ के डायरेक्टर है। उन्होंने कर्नल रणवीर जामवाल, उनसे मेरी मुलाकात रास्ते में ही हुई थी अरुणाचल प्रदेश की, जब मैं यात्रा कर रहा था तो उन्होंने निवास आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन जैसे ही मैं निवास गया तब जाके मुझे पता चला कि वास्तविक रूप में जिंदगी और मौत किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति समर्पण से उस जीत उस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से आप मौत को भी वो कर सकते हो, उसका सामना कर सकते हो, उसे जीत सकते हो। और वही जो चैलेंज होता है वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि आर्मी वाले होते हैं, दमकल विभाग वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जितने भी हमारे सुरक्षा के विभाग है वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेने आते हैं, और जो अनुभव है वो राष्ट्र के लिए काम आता है। आप देखते हैं जब जब हमारे राष्ट्र पर समस्याएं आती तो ये इस प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए लोग ही सामने आते हैं और अलग अलग स्तरों पर वो सहायता करते हैं। तो उन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है, 7 कॉन्टिनेंटल स्टेट है जो अलग अलग, वहाँ पर उन्होंने साइकिल से भी यात्रा की, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ की भी हाईएस्ट पीक जो पहाड़ की चढ़ाई है उस पर भी उन्होंने चढ़ाई की है। और जब उनसे मैंने मुलाकात की तो बहुत बड़ा वो प्लानिंग कर रहे थे, जो कि अभी मुझे पता चला कि उन्होंने पूरे भारत में जितने भी 28 स्टेट में जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है पहाड़ के ऊपर, वहां पर वो तिरंगा फहराने के लिए वो निकल पड़े हैं, जिसका उन्होंने नाम रखा है हर शिखर तिरंगा। तो उन्होंने यही बताया है कि जो मेरा जो लक्ष्य है वो राष्ट्र और देश के लिए समर्पित है, और लेकिन उसके लिए एक बेस्ट टीम की जरूरत पड़ती है, जो मेरी बेस्ट टीम है। इसके कारण ही मैं इतिहास रचने के लिए अग्रसर हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सभी मेरी टीम का हिस्सा बने, एक प्रकार से आप भी साइकिल क्रांति का ही एक टीम है, और हम सब मिलकर भारत में साइकिल क्रांति लेके आए और ऐसा माहौल बनाए जिससे जितने भी हमारे देश की समस्याएं हैं साइकिल क्रांति के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत आगे बहुत बड़ी है मेरी प्लानिंग है दोस्तों, बहुत कुछ मैं करने वाला हूँ। ऐसी एक प्लानिंग है कि एक पूरे भारत में साइकिल स्कूल खोलने का, ताकि बच्चों को शुरू से ही एक साइकिल के प्रति समर्पण हो, बच्चों को फ्री में साइकिल सिखाई जाए और साइकिल के द्वारा जो रोड के नियम है, रोड सेफ्टी के नियम है, वो सिखाया जाए, और जो बड़े युवाओं हों उसको साइकिल के द्वारा उनके डेली रूटीन में आए किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, देश के लिए जो विभिन्न चरणों में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किया जा सकते हैं, सफाई कार्यक्रम, विभिन्न समय समय पर जो हमारे यहाँ समस्याएं आती है उस पर हम फोकस करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण त्याग बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मुहिम मैं छेड़ने वाला हूँ, और मुझे पता है कि आप सभी इस टीम का हिस्सा है।
और ज़्यादा आप उसमें सहभागी बनेंगे। इस आशा के साथ में हम पूरे भारत में एक एक, एक नए प्रकार की जो साइकिल क्रांति की जो हमने इच्छा रखी है वो हम मिलकर साकार करेंगे। तो आगे की जो हमारी यात्राएं होगी वो बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार होगी, लेकिन ये जो परिस्थिति है उसका भी मुझे मुकाबला करना है। जिस प्रकार से मैंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है वैसे ही इस मुसीबतों को भी एक मानवीय भावना के रूप में दूर करूंगा और सभी की जो इच्छाएं उसको पूरी करते हुए जो भारत की यात्रा की आपकी इच्छा है मेरी इच्छा है वो भी मैं पूरी करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।